हेलो गाइस, तो दिस इज सिद्धार्थ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंसाइटफुल होने वाली है, क्योंकि अपन ने बुलाया है अपने एक बहुत स्पेशल गेस्ट को, अथर्व अग्रवाल को, जिन्होंने 680 मार्क्स आए थे, मतलब जिनके 2020 नीट में। तो आज अपन उनकी पूरी स्टोरी देखेंगे यार, कि उन्होंने क्या क्या चीजें करी, कौन सी बुक्स रेफर करी, क्या उनका 24 आवर का रूटीन होता था और क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने लगाई है। तो ये सब कुछ अपन कवर करेंगे, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले है ये वीडियो। तो हेलो अथर्व। हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे? एकदम सही एकदम सही एकदम सही। तो अथर्व, तुम्हारा अपन पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते कि कब, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कि तुम्हारा 9th 10th कैसे थे तुम 9th 10th में? एकदम पढ़ाकू टाइप के थे कि कैसे थे? मतलब मेरा ये था कि 11th तक ऑलमोस्ट जो था मेरा ये था कि बाकी चीज ज्यादा एक्सप्लोर करूं, मतलब नॉन एकेडमिक्स में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था, एकेडमिक्स में इतना नहीं था। तो बाकी चीजें जो होती है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब चीजों में मेरा इंटरेस्ट था। तो थोड़ा सा मैं 9th 10th में इतना पढ़ता नहीं था, 10th में पढ़ गया मैं, लास्ट के 2-3 मंथ जो होते हैं बोर्ड्स के लिए जितना पढ़ना होता है, अच्छा स्कोर आ गया 10th में। फिर 11th में आया, 11th में फिर पीसीएम भी था मेरा, फिर मैंने डिसाइड किया क्या करना है। फिर 12th में मैंने मैथ्स ड्रॉप कर लिया और फिर नीट पे फोकस दिया, और फिर उसके बाद पीसीएम भी ले लिया, मतलब ये तो सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो ले लिया था मैंने 11th में, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान। अच्छा, फिर मैथ्स में हटा दिया, तुम्हें ज्यादा हो रहा है? हाँ, ज्यादा हो रहा है। तो तुम्हें मतलब फिर नीट का मतलब क्रैक करने का 12th से मतलब तुम्हारा फोकस आया कि मुझे नीट क्रैक करना है? नहीं था 11th से, लेकिन 11th में ये होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ, लेकिन 12th से एकदम क्लियर हो गया कि हाँ क्रैक करना है। अच्छा, कि डॉक्टर ही बनना है मेरे को? हाँ। अच्छा, तो फिर तुमने जैसे नीट का क्रैक करने का सोच लिया, तो फिर क्या करना, कैसे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी तुमने नीट की? तो ये था कि मतलब पूरा एक साल मैंने अच्छे से दिया, पूरा 100% दिया, तो मेरा फर्स्ट ईयर नहीं हुआ। फिर मैंने पूरा एक साल ड्रॉप लिया और फिर 2020 में वापस एग्जाम देके फिर इस साल हो गया, 680 स्कोर आ गया इस साल फाइनली। अच्छा, तो तुमने जब मतलब 12th में तुमने एक तरीके से मेन फोकस करा था, तुमने उसमें फिर कैसे प्रिपरेशन करी थी 12th में? 12th में था कि एक साल था मेरे पास और मेरी ठीक ठाक प्रिपरेशन थी, लेकिन ये हुआ कि अब क्या कर, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था जो करना चाहिए था कि ये करना है ये करना है। तो एकदम प्रिपरेशन जो थी एकदम डायरेक्शनलेस थी, ये करना है वो करना है, मॉड्यूल्स भी पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो दिक्कत आ गया। लास्ट में इतना सब रिवाइज भी नहीं कर पाया, ना पेपर लगा पाया, टाइम ही नहीं मिला, और फिर उस कारण से पेपर बिगड़ गया। अच्छा, तो तुम मतलब कोचिंग करते थे 12th में? हाँ, करता था, कोचिंग करता था। अच्छा, फिर भी तुम्हें मतलब कंफ्यूजन होता था कि क्या चीज पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? कभी कभी जो मॉड्यूल, उनके मॉड्यूल जो होते हैं वो काफी एक्स्ट्रा यूज होते हैं, तो उसमें बहुत कुछ चीजें दी होती बायोलॉजी के अंदर, तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो मैं पढ़ लिया था, जो गलती लगती है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा बायो के लिए, फिर उसके मिशन का टाइम कम रहेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुमने ऐसे 11th 12th के बाद तुम्हारा एक साल तो तुम्हारा डायरेक्शन लेस गया था, फिर तुमने जैसे अब तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे 12th के बाद तुमने करा? 476। तो 476 से फिर 680 वाला इतना बड़ा जंप कैसे करा तुमने, मतलब फिर अब क्या तुमने चेंजेस लाए और सारी चीजें करी? तो एक तो मेन रीजन था कि मतलब पता चल गया कि ये चीजें करनी है, और जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो नहीं पढ़ना है, पता चल गया कि हाँ इसके अकॉर्डिंग चलना है। थोड़ा एक तो मीनिंग होता है स्मार्ट वर्क का, वो पता चल गया कि स्मार्ट वर्क जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हाँ, तो डायरेक्शन मिल गया कि ये पढ़ना है, इस तरह टेस्ट देना है, इस तरह एनालिसिस करना है, तो हर एक चीज प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया, और उस तरह से फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होते गया, फाइनली 680 आ गए। तो तुम मतलब खुद से करते थे कि फिर भी कोचिंग के इंडिपेंडेंट रहते थे? कोचिंग नहीं, मैंने कोचिंग का शेड्यूल फॉलो करता था, कि मैंने क्लासेस कम किए कोचिंग की, मोस्टली मैंने ऑनलाइन ही प्रेफर किया पढ़ना। कोचिंग करता था मैं, लेकिन बहुत कम क्लासेस किए, और मोस्टली यह था कोचिंग टेस्ट के लिए था, कि टेस्ट देने जाता था, टेस्ट का कितना नंबर आए उसका एनालिसिस किया, बस उतने के लिए मोस्टली। तुम्हारा स्टैंड तुम्हें पता चल रहा हूँ कि मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, ऑल इंडिया टेस्ट में। हाँ, बाकी ऑलमोस्ट तुमने खुद से सेल्फ प्रिपेयर करते थे। हाँ, तो क्या क्या रिसोर्सेज तुम फॉलो करते थे, मतलब बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए? बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए यह था कि बायो के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी थी, फिजिक्स बायोलॉजी की सबसे मेन प्रेफरेंस तो वही है, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैंने उसके बाद एक भी चीज नहीं पढ़ी है बायोलॉजी। अच्छा, मतलब बायो के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले और बढ़िया तरीके से रिवाइज कर ले। हाँ, तो 360 मार्क्स आ जाएगा, आउट ऑफ स्कोर कर लेगा वो बंदा। अच्छा, फिर सेकंड चीज है केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, तो केमिस्ट्री में यह था कि एनसीईआरटी मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए पढ़ ली थी, बाकी मेरे पास मॉड्यूल्स थे कोचिंग के, उनको सॉल्व कर लिया था, बाकी फिर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मैंने प्रेफर की लास्ट में, मतलब लगभग जनवरी के आसपास जब सिलेबस खत्म हो गया था, तब MS चौहान कुछ बुक्स थी जो मैंने थोड़ा ट्राई करके सॉल्व किया। फिर उसके बाद जो है कुछ यही मैं पेपर लगाए जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे। हाँ, और लेवल के तुमने और एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी होते केमिस्ट्री का तो पेपर ऑलमोस्ट नीट का और जेई का सेम ही आता है। हाँ, जेई मेंस का एडवांस का तो बात अलग है, लेकिन इसमें तो अगर इसकी बात करें फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में
मैंने जो मॉडल थे उनको दो तीन बार सॉल्व कर लिया। पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज मैंने कई बार कर लिया, दो से तीन बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कहाँ तक है, कौन से ईयर तक करते हैं स्टार्टिंग से लेके जितने? मैंने पहले प्रेफरेंस दिया 2005 से लेके 2019 तक। अच्छा। जब मैंने उसको एक बार कर लिया और जब मैं सेकेंड टाइम कर रहा था उनको, तब उसके साथ साथ मैंने 1988 से 2005 तक भी कर लिए। अच्छा, तो मतलब तुमने स्टार्टिंग से लेके फिर वो वाले भी कवर कर लिया। हाँ, 1988 से 2019 तक सारे कर लिए। और मैं कहता कि करना जरूरी भी है, कभी कभी होता है कि 2003 का 2 का क्वेश्चन कभी कभी उठ के सेम से मार जाते हैं। मैंने देखा ऐसा पेपर में कई क्वेश्चन रहते हैं, और बारे में तो ऐसा है कि 90 में से 75 क्वेश्चन तो रिपीट ही है प्रीवियस ईयर से। हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर ही लगा लिया तो मोटा मोटा तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, और जो फिजिक्स के लिए तुमने कौन सी बुक्स रेफर करी थी? तो जैसे मैंने मॉड्यूल्स की थी, मॉड्यूल्स के साथ साथ मैंने एससी वर्मा ट्राई की थी, लेकिन मेरे को मतलब लगाने की उसमें इतना यूज लगेगा मेरे को नीट के लिए। मतलब ऐसे नीट में ऐसा कुछ होता है जैसे मेंस या जेई वालों में ऐसा होता है कि मैथ्स आती है तो फिर जेई मतलब तुम फिजिक्स अच्छे से कर सकते हो, तो तुम्हें बायो वालों में थोड़ी मैथ्स तो वीक ही होती है ना? तो वही दिक्कत है कि जो बच्चे होते हैं मेजोरिटी बच्चे हैं उनका मैथ्स वीक है, उनको दिक्कत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर्स इनमें ही वाटर देते जीपी एपी, तो यहाँ पे दिक्कत करता है। अगर यही नहीं आया तो फिजिक्स फॉलो नहीं होता है। हाँ, वही तो एग्जैक्टली, तो फिर फिजिक्स का मतलब लेवल कम आता था, लेवल का फिजिक्स लेवल कम आता है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो ये अगर पता हो तो फिर बाकी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मतलब फ्रेशर्स है जो अभी इलेवेंथ में गए उनके लिए मेन टिप यही है कि अगर फिजिक्स में तुम बेसिक स्ट्रांग कर दो, मैकेनिक्स का बेसिक हो गए या फिर जो तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स है ग्राफ्स स्टडी करना अगर तुम्हें सही से आ रहा है तो तुम नीट में अच्छा कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों को होता है क्या कि ट्वेल्थ में आके दिक्कत क्यों आता है, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है। अच्छा, तो अपन फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब एनसीईआरटी लेवल का तुम लोग लगाते थे कि कहां से मतलब लगाते थे फिजिक्स? फिजिक्स का तो ये होता है कि अगर कोई भी नीट लेवल की बुक हो, कोई पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन कोई भी रहता है कोई भी ले लो या फिर मॉड्यूल ले लो, किसी भी एक बुक को प्रॉपरली लगाओ, बस ये है। और ज्यादा क्वेश्चन को हाई लेवल मतलब जैसे जेई का लेवल हो गया उस लेवल मतलब जाओ, नीट का लेवल रखो, बेसिक क्वेश्चन समझो, मतलब जबरदस्ती का एडवांस जाने की जरूरत नहीं जो कोर्स में है नहीं, फिर भी हम करे जा रहे हैं। जो मतलब चीज ये है कि जितना तुम अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए, क्योंकि टाइम तुम्हारा उस कम है, 1 मिनट में क्वेश्चन करना है तुम्हें, और क्वेश्चन जो है काफी इजी आएंगे, तुम्हें सिर्फ एक दो स्टेप में आंसर मिल जाएगा। हाँ। तो अगर तुम्हें पहले क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो तुम्हारे लिए काफी इजी रहेगा, तुम्हें देखते हुए रहेगा हाँ इसमें यह कंसेप्ट है, वो एक फॉर्मूला है लगा लो सीधा आंसर मिल जाएगा बस। अच्छा, तो तुम्हें मॉक टेस्ट जैसे तुम बताते टेस्ट देते रहते, मॉक टेस्ट कौन से देते थे तुम? मॉक टेस्ट था, ये कोचिंग के तो थे ही थे, प्लस मैंने कोचिंग कौन सी थी तुम्हारी? एलएन। अच्छा, तो एलएन की तुम मॉक टेस्ट देते थे? हाँ, लेकिन मैं लास्ट में उसको बंद कर दिया, मतलब लास्ट के 3-4 महीने में दिया नहीं, क्योंकि एक रीजन था उसका कि उनके पेपर जो थे बायो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आता था, क्वेश्चन बहुत सारे केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, तो मैंने छोड़ दिया, मतलब मैंने फिर प्रेफर किया डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो फिर मैंने कई आकाश के कई और सारे इंस्टीट्यूट जितने भी है सबसे फिर मैंने टेलीग्राम से यहाँ वास्ते जो है क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए फिर। अच्छा, तो उनके फिर तुमने मॉक टेस्ट सारों के दिन लग गए, तो फिर उससे तुम्हारी प्रैक्टिस थी। अच्छा, तो एक बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सारे एस्पिरेंट्स को क्यों लगाना चाहिए? जो मैंने मेन डिफरेंस ये रखा था मैं लास्ट ईयर और इस ईयर में, वो था मॉक टेस्ट का। अगर तुम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हो तो मेन डिफरेंस जो आता है वो आता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एक होता है कि अगर कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छे पे जा रहा है, मतलब तुम अगर उठ रहे हो राइज हो रहे हो तो नीट में तुम राइज कर जाओगे, अगर तुम डूब रहे हो तो डूब जाओगे, तो तुम्हें मॉक टेस्ट में धीरे धीरे अपना स्कोर इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा डिजायर्ड स्कोर ना आए मॉक टेस्ट में, जो तुम्हें अगर नीट में 650 चाहिए तुम्हारा 550 आ रहा है, लेकिन तुम धीरे धीरे पास नंबर इम्प्रूव कर रहे हो, अगर इम्प्रूव करते चल रहे हो तुम लोग तो स्कोर नीट में फाइनली आ जाएगा जितना तुमने रखा था, क्योंकि पेपर जो है रिलेटिवली इजी आता है मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस ये है कि एक प्रॉपर जो है मिल जाता है भाई कि हाँ केमिस्ट्री में यहाँ पे दिक्कत है, फिजिक्स में यहाँ पे दिक्कत है, किस एरिया में दिक्कत है मिल जाता है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट जरूरी है, उससे जरूर उसका एनालिसिस है, मतलब कि क्या उसमें दिक्कतें हुई क्या गड़बड़े हुई। अच्छा, तो अब तुम एक मतलब अपने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कैसे करते थे, मतलब कौन सा पार्ट पहले करना, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होती थी टेस्ट को अटेम्प्ट करने की? मेरा तो ये था पहले बायोलॉजी था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और मुझे लगता है कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब जो पेपर का लेवल इजी हो गया एंटी के आने से, सबको यही रखना चाहिए मोस्टली, क्योंकि बायो जो है वो 50 मिनट में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा और तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे। अगर तुम पहले फिजिक्स करते हो, अगर 2-3 क्वेश्चन अटक गए और टाइम वेस्ट हो गया तो तुम्हें बायो कंप्लीट करने में टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा है जो पहले फिजिक्स कर रहा है उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो ट्राई करके देखो पहले बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सीक्वेंस सबके लिए मोस्टली लोग यही करते हैं, कुछ लोग होते जो अलग करते हैं। फिजिक्स में तुम्हें एक बार टाइम मिल गया तो तुम फिर ढंग से सोच भी पाओगे बिना टेंशन के। तो पता है पहले प्रेशर आ जाएगा। हाँ, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, बायो और केमिस्ट्री हो चुका है, अब सिर्फ इतने क्वेश्चन बचे, इसमें टाइम है हमारे पास, आराम से कर लूंगा, तो ये एक फैक्टर भी होता है। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा जैसे जब नीट आने वाला था तो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी थी तुम्हारी?
लास्ट मंथ मेरा यही था जब तो लॉकडाउन था लास्ट मंथ भी हमारे यहाँ पे हाँ। तो लास्ट मंथ में तो यही था कि सिर्फ मैं ट्राई करता दिन में एक पेपर छुड़ाऊ बस हाँ। और थोड़े से बायो का रिविजन बस और उसका एनएस पेपर का मतलब तो मैं 4 से 5 घंटा रेगुलरली पढ़ रहा था लास्ट के 2 मंथ्स आगो लेकिन जब लास्ट का मंथ आया हाँ। जब डेट का पता लगे फाइनल 13 सितंबर को ही है हाँ। तब से मैंने जो है पूरा प्रिपरेशन बूस्ट कर दिया फिर मैं रोज 12-13 घंटे पूरा रिविजन मतलब पूरा पीसीपी मैंने पूरा एक बार रिवाइज कर लिया फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मुला रिविजन केमिस्ट्री में जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के उनका रिविजन फिजिकल केमिस्ट्री का रिविजन फॉर्मुलाज के थ्रू और बायो का पूरा एनसीईआरटी मैंने 2 से 3 बार लास्ट के 1 महीने में रिवाइज कर लिया क्विक रिविजन के थ्रू। अच्छा तो तुम्हारा मतलब एक 24 जैसे तुम बोल रहे थे 24 आवर में से 12 आवर पढ़ते थे तो तुम्हारा रिविजन में कितना टाइम देते थे तुम और टेस्ट में कितना देते थे? लास्ट के 1 मंथ मैंने टेस्ट रेगुलर दिए नहीं हर दिन नहीं दिए मैंने वीक में 3 टेस्ट के ऑपरेशन देता था 3 टेस्ट वो भी दोपहर में 2 से 5 तो जिस दिन टेस्ट हो उस दिन रिविजन 6-7 घंटा होता था और जिस दिन टेस्ट ना हो उस दिन 10-12 घंटा रिविजन तो वेरी करता है उससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे 12 घंटे से ज्यादा पढ़ते तो फिर स्ट्रेस भी आता है तो 8 से 12 घंटे जो है सफिशियंट टाइम है अगर तुम सही से पढ़ते हो तो हाँ मतलब थोड़ा चिल भी जरूरी ऐसा भी नहीं कि घुस गया एकदम हाँ और इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे 16 घंटे थोड़ा सा ये हो जाता है भाई हेक्टिक है 1 महीना तुम्हें पढ़ना है रेगुलरली 16 घंटे पढ़ के कुछ भी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अच्छा मेरे को ये बात बताओगे क्योंकि तुम मतलब तुम्हारे पहले 450 आए थे फिर 680 आए थे तो तुमने मतलब दोनों चीजें देखी तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या चीज एक डिफरेंस होती है एक टॉपर और जो टॉप नहीं कर पाते उनमें क्या डिफरेंस होता है? तो पहला चीज तो ये था मेरे को जो लगता है कि टॉपर और एवरेज ये जो टर्म्स है वो परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेबल है ये स्टूडेंट के लिए नहीं है क्योंकि हम वही एक एवरेज ही बाद में टॉपर बन जाते हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करता है। अब मैंने तो देखा है बहुत से जो सोसाइटी मतलब जो भी टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि ये तो एवरेज स्टूडेंट है टॉपर स्टूडेंट है तो ये एक चीज में एकेडमिक्स में अगर बंदा कोई टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर जेई मतलब कोई भी एग्जाम है उसमें टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो वो डिफर करता है परफॉर्मेंस का बस बंदा वही है उसने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर ली या उसने मेहनत कर ली उसने अपने एवरेज परफॉर्मेंस जो था वो टॉप कर लिया बस यही डिफरेंस कुछ नहीं है स्टूडेंट के अंदर डिफरेंस नहीं है सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट लेकिन वही है कि उसने अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर लिया एवरेज से टॉप की तरफ बस हाँ, और कोई भी एवरेज हमेशा मतलब टॉपर बन सकता है चाहे वो एग्जाम हो या कहीं भी दूसरी चीज पर भी बन सकता है एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स हो सकता है कोई ऐसा कोई लेवल नहीं है कि भाई तुम एवरेज स्टूडेंट है तो कुछ नहीं कर सकते हाँ तो ये चीज है। तो तुम क्या फाइनल टिप्स देना चाहोगे जितने भी अपने एस्पिरेंट है नीट एस्पिरेंट है? तो एक तो बेसिक है कि अभी तो 2 मंथ बचे हुए 21 वालों के लिए मतलब 2 मंथ अभी ऑफिशियली है तो उसमें है कि भाई अगर 2 मंथ सर्वस है तो प्रॉपरली प्लानिंग करो कि होता है कि बच्चे कुछ भी पढ़ रहा है रैंडमली आज मन किया ये चैप्टर पढ़ दिया कल ये किया और जो मैंने देखा है कि जब मैं अभी क्लास कभी लेता हूँ कभी बच्चों को तो यहाँ पे होता दिक्कत कि जो चैप्टर उनके फेवरेट है उनको ही बार बार लगाए जा रहे क्वेश्चन है उनके ही बार बार जो है रिविजन उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने लगा के ये चीज होता है। मैंने देखा कि बायोलॉजी के अंदर 4-5 चैप्टर ऐसे जैसे कि एनाटॉमी हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया कुछ चैप्टर ऐसे है जो डुबाएंगे बच्चों को मतलब 99% बच्चे जो है उनके वीक रहते हैं चैप्टर से तो जब मैं वो लगाता हूँ इनके क्वेश्चन कर लो तो बच्चे करते नहीं है और जो चैप्टर इजी है उनके फेवरेट है ह्यूमन फिजिक्स हो गया कुछ चैप्टर हो गए तो वहां पे क्वेश्चन लगा देंगे बहुत सारे तो ऐसे मत करो अब 2 महीने बचे हुए देख लो पूरा एनालिसिस करो कि कहां पे दिक्कत है मेरे इसमें क्या मेरे कौन से चैप्टर्स वीक है कौन से बहुत ही वीक है कौन से मीडियम लेवल पे है तो वो एनालिसिस करो और फिर जो वीक पे फोकस करो जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग रहेंगे अभी 2 मंथ बचे हुए उसको लास्ट में एक बार फिर रिवाइज कर लेना लेकिन जो वीक है उस पर फोकस करो। सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी है ये चीज करना है और बाकी जो अभी 12th में है और 11th वालों को क्या बोलना चाहोगे? तो उनके पास अभी काफी समय है 1-2 साल का रिस्पेक्टिव समय है तो वो तो ये पैदा होगा कि जो मतलब मैं देखता हूँ कि जो टॉपर्स बोल रहे कोई लोग बोल रहे थे 16 घंटे पढ़ रहे 15 घंटे तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं भाई कि नींद कम कर देते हैं नींद कम कर रहे हैं या फिर पूरा दिन पढ़ रहे रूम में बंद होकर मैंने कई एग्जांपल देखे हैं तो ये चीज मत करो क्योंकि नॉर्मल लाइफ जीनी है ये लाइफ का एक पार्ट है एग्जाम 2 साल तुम्हें देने हैं 1 साल जो देना है तुम्हें पूरा लाइफ भी तुम्हें इसके साथ चल रही है ऐसा नहीं कि तुम पूरा अकेले में बैठ रहे हो होता क्या है कि बाद में जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो उनमें डिफरेंस आ जाता है मतलब वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं ना खुल पाते हैं तो थोड़ा सा उनमें दिक्कत बात नहीं कर पाते बाकी उस समय तक रहता है कि एक भाई एक गोल था और एकदम से बाहर आता है गोल तो खत्म हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर में भी दिक्कत आती है फिर उनको कि कुछ कर नहीं पा रहे मतलब फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर दिक्कत आती है तो इससे अच्छा है कि अभी से तुम 10-12 घंटे पढ़ो फिर 10 मतलब सब मिला के कोचिंग मिला के जो भी तुम्हारे क्लासेस है वो मिला के प्लस 2-3 घंटा रिफ्रेशमेंट करो खेलना है कुछ देखना है कुछ कॉमेडी शोज देखने तो वो भी चीज करते रहो फैमिली से बात करते रहो और एक रूटीन बना के चलो कि कभी कभी ऊपर थोड़ा ऊपर से होगा कभी 8 घंटा कभी 10 घंटा लेकिन वो चलता रहता है उतना चलता रहेगा 6 घंटा 10 घंटा तो बीच में एवरेज अच्छा हो रहा है तुम्हारा बस।
मतलब ज्यादा लोड भी मत लो और पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हाँ, हाँ। और स्मार्ट वर्क मेरे हिसाब से तुम्हारी जितनी बातें समझ में, स्मार्ट वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, मतलब ऐसे जेई के लिए भी होता है, नीट के लिए भी होगा, कितने सारे सोर्सेज इधर उधर करते रहते हैं और फिर कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते, तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो यार काफी मतलब इन्फॉर्मेशनल था, तो गाइस मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारे इनसाइट इसमें से मिले होंगे, और अथर्व का खुद का भी नीट का चैनल होगा आप शायद जानते ही होंगे, तो उनको जाके सब्सक्राइब करना, और यदि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज चाहिए और अलग अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।